हाथरस कस्बा हसैन में कोतवाली प्रभारी मदुल कुमार ने शनिवार रविवार को लॉकडाउन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि शासन द्वारा लॉकडाउन हर हफ्ते जारी हो रहा है। मदुल कुमार ने अपील करते हुए कहा कि लॉकडाउन पीरियड में फल सब्जियां व किराने की दुकानें 7 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी व डॉक्टरों के क्लिनिक मेडिकल स्टोर सारे दिन खुले रहेंगे, लेकिन किसी भी दुकान पर भीड़ नहीं होनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का प्रयोग करें। अगर कोई अनावश्यक रूप से घूमते हुए या दुकान खोलते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करने व प्रशासन के सहयोग की अपील की। आप लोगों ने पिछले हफ्ते बड़ा सहयोग करा पुलिस प्रशासन का, तो मुझे आप लोगों से उम्मीद है कल शनिवार इतवार को इसी तरह मेरा सहयोग करें, धन्यवाद। दूसरी बात इसमें वो ये सिस्टम, सब्जी की दुकान है कल सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी, इसमें किराना की भी दुकान खुलेगी, तो 7 बजे से 11 बजे तक सब्जी दूध किराना और मेडिकल स्टोर तो पूरे दिन खुलेंगे, डॉक्टर भी पूरे दिन बैठेंगे। इसके अलावा अन्य दुकान कोई नहीं खुलेगी और शाम को सब्जी की दुकान इसी तरह और दूध की किराना की 5 बजे से 7 बजे तक खुलेगी। तो ये प्रशासन की तरफ से लॉकडाउन फिर हर हफ्ते जारी हो रहा है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि पिछले हफ्ते आप लोगों ने हम लोगों का बड़ा सहयोग किया, तो आपसे उम्मीद है कि अनावश्यक रूप से रात्रि 10 बजे से और सोमवार को सुबह 5 बजे तक न घूमे, अगर घूमते पाए गए तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिर एक बार वो आप लोगों से अपील है कि जो अगर नहीं समझ पाए दुकानदार भाई कि सब्जी की दुकान 7 बजे से कल 7 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी, लेकिन शर्त उसमें ये रहेगी भीड़ नहीं रहेगी, सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे और दुकान जो सब्जी लेने आएगा वो मास्क लगाएगा, जो बेचेगा वो भी मास्क लगाएगा, अगर सैनिटाइज नहीं है तो बाल्टी रख लो, कुछ पानी रख लो और साबुन रखो, उससे हाथ धुलवाओ। तो कल रात्रि 10 बजे तक इस हफ्ते फिर लॉकडाउन शुरू हो रहा है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि 2 दिन का लॉकडाउन है इस हफ्ते का, इसका पूर्ण रूप से पालन करें, धन्यवाद। BBCN News, बात आपकी, खबर हमारी।